को बाल बच्चा बीए करके अभी रोड पर डनक रहा है, क्या चीज देता है? आप लोग वोट देती हैं? वोट तो देवे कर, हमको जो हमको मन में है पसंद, नीतीश तो जाओ भाड़ में बेटी चोत के बेटा। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बेरोजगारी से परेशान नौजवान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, मगर मीडिया को सिर्फ सुशांत पर आंसू बहाना है। मीडिया सुशांत की आत्महत्या को डेढ़ महीने से सुबह शाम मुख्य खबर की तरह परोस रहा है। यहां मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लॉकडाउन के कारण उपजे बेरोजगारी से परेशान होकर पिछले 3 महीनों में 28 नौजवानों द्वारा आत्महत्या कर ली है। कोई चर्चा नहीं है, एक बार आप युवाओं में लॉकडाउन के बाद देश में बढ़ती आत्महत्या के आंकड़े निकालिए, आप चौंक जाएंगे। लेकिन मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सुशांत की आत्महत्या को लाइमलाइट रखना है। मीडिया द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, इसका जवाब आप सोचिए। वास्तविक मास मीडिया लोगों को डाइवर्ट करने का काम करती है। कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, सेक्स स्कैंडल या फिर बड़े लोगों के व्यक्तिगत बातों को जमकर सामने रखती हैं। क्या इससे अलग कोई गंभीर मामले नहीं होते हैं? जितने बड़े मीडिया घराने हैं वे एजेंडे को सेट करने में लगे हुए हैं। वास्तव में जब आप अपने अखबार खरीदते हैं तो वे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, यानी पेपर वाले ही ये खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ऑडियंस एक प्रोडक्ट है, इसलिए लोगों के लिए उन लोगों से लिखाया जाता है जो समाज के टॉप लेवल के आदमी हैं, बड़े बड़े लेवल के आदमी हैं। आपको अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार चाहिए और बाजार आपका विज्ञापन दाता है, चाहे टेलीविज़न हो या अखबार या और कुछ, आप ऑडियंस को बेच रहे होते हैं। यहाँ जैसे जैसे कोरोना के बाद उपजा आर्थिक संकट मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को घेरता जा रहा है, वैसे वैसे सुशांत की आत्महत्या, अयोध्या का भूमि पूजन, राफेल की आमद, यह सारी खबरें हमारी आर्थिक परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए है, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण कही है लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में लिखाया जाता है जो समाज में टॉप लेवल पर हैं, बहुत हाई फाई लेवल पर हैं। अगर आप किसी बड़े अखबार या टीवी मीडिया के संपादक को जानते हैं तो उनसे पूछिए कि सरकार कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट करवाती हैं, कैसे हर खबर की हेडलाइन में मोदी के बारे में या बड़े बड़े लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बात डालने का दबाव रहता है, यह मीडिया का सारा सिस्टम कैसे और किस लेवल तक बिक चुका है आप सोच भी नहीं सकते। में आपका स्वागत है नए चैनल पर। दुनिया जहां से सोचना छोड़ दे है बहुत कुछ, आप वहां से सोचना चालू कीजिए। अब जरा दिमाग लगाकर सोचिए, अगर कोरोना संक्रमण बीमारी है तो परिंदे और जानवर को अभी तक क्यों नहीं हुआ? यह कैसी बीमारी है जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में ही क्यों मौत आती है? यह कैसी बीमारी है? कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है। कोरोना संक्रमित बीमारी है तो जलसे में, रैली में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल खांसी चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। गजब का कोरोना वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं बनी, फिर भी लोग 99% ठीक हो रहे हैं। यह कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने से सब बीमारी खत्म हो गई? अब जो भी मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है, जरा सोचिए। यह कैसा कोरोना है? हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकाल कर लाश को ताबूत में छुपा कर खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी दिया जाता है। है कोई जवाब? अगर है जरूर देना, अगर नहीं है तो सोचना कोरोना की आड़ में क्या चल रहा है। कुछ हॉस्पिटल से न्यूज आ रही है कि सुबह मरीज को भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज मिलती है कि मरीज की कोरोना से मौत हो गई। क्या सुबह से शाम तक कोरोना की रिपोर्ट भी आ गई और शाम को कोरोना से डेथ भी हो गई और लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया? इनके हिसाब से तो कोरोना की कोई स्टेज ही नहीं होती। जो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए वो कैसे ठीक हुए? 15-20 दिन में तो कनिका कपूर भी ठीक होकर घर चली गई।
आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो कनिका की 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 6 रिपोर्ट में नेगेटिव आई, और गरीबों की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और शाम को उसकी डेथ हो जाती है, क्या गरीब और मध्यम वर्ग की सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है पॉजिटिव या नेगेटिव या मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट? कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है? किडनी ही क्यों, और भी बहुत पार्ट हैं। क्या कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यक्ति के पार्ट्स की कीमत करोड़ों रुपए है, क्या कोरोना की आड़ में षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि मृत देह को घर वाले को देते नहीं, ना ही कोरोना के नाम से घर वाले बॉडी लेते हैं, और बंद लिफाफे में क्या हुआ है बॉडी के साथ किसे पता? सबको मिलकर ऐसा कदम उठाना चाहिए या कदम उठाना होगा जिससे कम से कम इसकी निगरानी हो, जांच हो, ताकि हकीकत सामने आए। खबर कैसी लगी? चैनल पर अपना राय दें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। एक बार जरूर गौर से सुने, गौर से सोचे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। चैनल पर बने रहें। मुजफ्फरनगर के आश्रम में किया जा रहा था बच्चों का शोषण, छापेमारी कर मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ा मामला सामने आया है। जिले के सुकतीर्थ स्थित गोड़िया मठ से 8 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इन बच्चों को पढ़ाई के नाम पर मिजोरम और त्रिपुरा से लाया गया था, लेकिन यहाँ इन्हें बंधक बनाकर इनका शोषण किया जा रहा था। बच्चों को मठ से मुक्त एक छापेमारी के बाद कराया गया। ये छापेमारी मंगलवार को चाइल्ड केयर हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस के सहयोग से की। हेल्पलाइन को मठ में 10 बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जब छापेमारी की गई तो वहां 8 बच्चे ही मिले। फिलहाल 2 और बच्चों की तलाश की जा रही है, जरूर वो भाड़े पे गया हुआ होगा। हेल्पलाइन प्रभारी पूनम शर्मा ने मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें आश्रम में 10 बच्चों को बंधक बनाकर जबरन काम कराए जाने व उन्हें टॉर्चर किए जाने की शिकायत मिली थी। इसी शिकायत के आधार पर उन्होंने पुलिस के सहयोग के साथ मठ में मंगलवार शाम को छापेमारी की, जहां उन्हें मौके पर सिर्फ 8 बच्चे ही मिले। उन्हें बताया कि 2 बच्चे अभी नहीं मिले हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोनों बच्चे नहीं मिलते हैं तो इस संबंध में आला अफसरों को सूचित कर आश्रम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। पूनम के मुताबिक बरामद किए गए सभी बच्चे मिजोरम और त्रिपुरा के हैं, जिन्हें पढ़ाई कराने के लिए आश्रम में लाया गया था। बरामद बच्चों ने आश्रम में बंधक बनाकर रखने और टॉर्चर किए जाने की जानकारी देते हुए अपने घर जाने की बात कही है। हालांकि मठ ने बच्चों को बंधक बनाए जाने की बात से इनकार किया है। मठ से जुड़े भक्ति भूषण गोविंद ने बच्चों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों को उनके परिजनों की सहमति से आश्रम में लाया गया था। बच्चों से आश्रमों में किसी तरह का काम नहीं कराया जाता था, उनसे सिर्फ उनकी इच्छा के मुताबिक गौ सेवा कराई जाती थी। खबर कैसी लगी? चैनल पर बने रहें। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। भाजपा नेता के फार्म हाउस में देह व्यापार, 12 गिरफ्तार। सपा बोली, यही है बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा। उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी। नैतिकता की कितनी ही बातें कर ले, लेकिन उसके नेताओं की कोई ना कोई ऐसी करतूत सामने आती रहती है कि दुनिया के सामने उसे शर्मसार होना पड़ता है। ताजा मामला आगरा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह राणा पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। खुद पुलिस ने छापा मारकर राणा के फार्म हाउस में चल रहे देव व्यापार का भंडाफोड़ किया है। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक सिकंदर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कमला फार्म हाउस में शुक्रवार को जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां देव व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इस छापेमारी में 3 संचालक और 2 एजेंट समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही 3 युवतियों को भी पकड़ा गया है। खबर के मुताबिक इन युवतियों को लॉकडाउन से पहले पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले आया गया था, फिर इन्हें दिल्ली से आगरा के फार्म हाउस में ले आया गया था।
अखबार में छपी खबर के मुताबिक एएसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि इस कमाई का एक हिस्सा फार्म हाउस के मालिक अशोक राणा को भी जाता था। इन आरोपों के बाद बीजेपी के नेता तमाम बयानों के जरिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि फार्म हाउस को उन्होंने किराए पर दे रखा है, इसलिए इस रैकेट के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। हालांकि आरोपियों का कहना है कि उन्हें इस कमाई का एक हिस्सा भी मिलता है। इस खुलासे की खबर को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने लिखा, एक बार फिर सामने आया भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा और संस्कार। आगरा में भाजपा नेता के फार्म हाउस से देह व्यापार का रैकेट बेनकाब, 12 गिरफ्तार। जनता भी सोच रही है हमने कैसा चुना बेशरम। खबर कैसी लगी, बने रहेंगे चैनल पर। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। राफेल आने से एंकर इतने खुश हैं कि डर है कहीं राफेल लेकर पाक चीन ना चले जाएं। फ्रांस से 5 राफेल आ गए, उनकी गड़गड़ाहट पर भारत के ज्यादातर न्यूज चैनल लहालोट हैं। उन्हें पता है कि राफेल की गर्जन सुनकर पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। इमरान और बाजवा छिपने के सुरक्षित ठिकाने की खोज में है। जिनपिंग अपना देश छोड़कर कहीं और भाग जाएगा। राफेल के बारे में जितना भारतीय न्यूज एंकरों को पता है, उतना शायद राफेल के लिए निर्माताओं को भी नहीं है। वे एंकर जल्दी ही दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों को राफेल पर लाद कर पाकिस्तान और चीन की ओर कूच करने ही वाले हैं। राफेल पर शुभ लाभ का टीका तो लग ही चुका है, बस अब 5 अगस्त के उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा है जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो जाएगा। युद्ध के इस चौतरफा माहौल में देश में अत्याधुनिक विमानों और रक्षा प्रणाली के आगमन की खुशी हम सबको है, लेकिन जिस स्तर का बेहुदा प्रचार तंत्र मीडिया पर सक्रिय है, उसे देख सुनकर क्या आपको कोफत नहीं होती? अगर आपको लग रहा है कि देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मूर्खता की तमाम हदें पार कर रही हैं, तो आप गलत हैं। वे बहुत साथी हैं, उन्हें देश के बहुसंख्यक लोगों के मानसिक स्तर का पता है और यह भी पता है सत्ता के हित में उस अविकसित मानस से कैसे खेला जाना चाहिए। खबर कैसी लगेगी, कृपया चैनल पर बने रहें। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस।